हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके टेक सॉल्यूशन। मैं हूँ ज्योति। आज आप लोगों को बताऊंगी कनेक्टिंग लॉग के न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आप देख रहे होंगे स्क्रीन में बहुत बड़ा लग रहा है, इसलिए आप पहले से टेंशन हो जाती है कि कितना बड़ा न्यूमेरिकल है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम कोई भी डिज़ाइन या कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो गाइस चलते हैं, इससे पहले आप मेरे वीडियो को, पहले मैं अपने टॉपिक स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो न्यूमेरिकल क्या है, आप पहले हम इसको न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर जो भी चीज़ है उसको हम लिखेंगे क्या क्या गिवन है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड में हमें चार चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो जो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी किस तरीके से कौन सी चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। तो लिखा है डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड फॉर एन आईसी इंजन रनिंग एट 1800 आरपीएम, जो आपकी आरपीएम दी गई वो 1800 है, एंड डेवलपिंग मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मैक्सिमम प्रेशर दिया गया है। डाया ऑफ द पिस्टन इज 100 डायमीटर दिया पिस्टन का। मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ऑफ सिलेंडर, मास दिया रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स का। लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड दी है। स्ट्रोक ऑफ पिस्टन दिया है एंड कंप्रेशन रेशियो दिया है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे डिज़ाइन में मैंने बताया ही था कि 5 to 6 वैरी करता है, यहाँ पे दे दिया गया है गिवन, अदरवाइज 5 और 6 में से आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, टेक लेंथ टू डायमीटर रेशियो फॉर बिग एंड बियरिंग दिया है इतना, एंड स्मॉल एंड बियरिंग दिया है 2, एंड करस्पॉन्डिंग बियरिंग प्रेशर एज ये दिया गया है 10 N/mm² एंड 15 N/mm². सॉरी, द डेंसिटी ऑफ, उसके बाद हमें दिया है डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड में भी टेकन एज 1000 kg/m³, एंड अलाउबल स्ट्रेस दी गई आपकी बोल्ट की 60 N/mm², एंड इन कैप में दिया 80 N/mm² द रॉड। फिर आगे दिया गया है द रॉड इज टू बी आइस सेक्शन, जो रॉड हमारी आइस सेक्शन की, इसी की मैंने डिज़ाइन बताई हुई है, जो मैंने वीडियोस में बताई हुई है, लास्ट वीडियो अपलोड है, आप जाए उनको सजेशन वीडियोस में जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मेंशन है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फॉर विच यू कैन चूज योर ऑन प्रोपोर्शन ड्रॉ नीड डायमेंशन स्केच शोइंग प्रोविजन फॉर लुब्रिकेशन, यूज रैंकाइन फार्मूला फॉर विच डनम न्यूमरेटर कॉन्स्टेंट में भी टेकन एज 320 N/mm² एंड डिनोमिनेटर 1/75000। तो हमने न्यूमेरिकल को पढ़ दिया है, जो जो चीज़ दी थी वहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया अंडरलाइन करके। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवेन है, उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको दिया है आरपीएम 1800 दिया गया, तो उसके बाद हमें मैक्सिमम प्रेशर दिया गया है जो हमारा 3.15 N/mm² था। ठीक है, उसके बाद बोर दिया गया है हमको कैपिटल डी 100 mm। ठीक है, एम आर दिया गया है हमको, जो मास आप रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स है उसको हमें एम आर बोलेंगे। ठीक है, एम आर दिया गया कितना 2.25 kg। उसके बाद हमको लेंथ दी गई है 380, जो कनेक्टिंग रॉड की है स्मॉल एल दी गई है 380 mm, ने इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, यहीं पे जहाँ हमें यूज़ होगा मीटर में वहाँ मीटर में लिख लेंगे, जहाँ हमको एमएम में यूज़ करना होगा एमएम में कर लेंगे। स्ट्रोक जो दिया गया है हमारा, वो दिया गया है हमें कितना 190 mm। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो CR, कंप्रेशन रेशियो जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 6:1। फैक्टर ऑफ सेफ्टी FS दिया गया 6। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड हमारी जो है आई सेक्शन की दी गई है। अब मुझे जितनी चीज़ें गिवन थी नॉर्मल हमने लिख ली ऊपर, बाकी सारी और चीज़ें हैं तो वो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे, लेकिन जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए बेसिक जो चीज़ें हैं वो इतनी ही थी, वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्या होता है हमारा डायमेंशन ऑफ आई सेक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, जिस तरीके से हमने फर्स्ट डिज़ाइन में किया था डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, उसी तरीके से फर्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा डायमेंशन ऑफ आई सेक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो जो हमारी फर्स्ट डिज़ाइन थी, तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, जो बेसिकली चीज़ें हैं वो हमारी ये जो कनेक्टिंग रॉड है वो आई सेक्शन है, तो हम सबसे पहले आई सेक्शन को बेसिक ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है,
हो गया। यहाँ तक की जो हाइट थी ये हमने पहले ही बता दी थी, 5t थी, ठीक है। ये वाली जो थी 4t थी, ये आपकी टी थी, ये वाली 3t थी, ऊपर वाली भी टी थी। ये चीज़ें सिमिलर दिया था तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं डिज़ाइनर बता चुकी हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी विड्थ है वो 4t थी, डिज़ाइन में ही बताया था, हाइट जो कनेक्टिंग रॉड की है वो 5t है, ठीक है। तो हमारा टी क्या है, जो हमारा थिकनेस है सेक्शन टी क्या है, ये फ्लेंज की थिकनेस है या इसको वेब थिकनेस भी बोल सकते हैं, जो भी हमारा आई सेक्शन है उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया है वो क्या होगा एक्स एक्सिस के अबाउट और क्या होगा वाई एक्सिस के अबाउट। तो हमने जब डिज़ाइन पढ़ी थी वो हमने एक फार्मूला पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्सिया का, IXX = 4IYY। ये है मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस सेक्शन और ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट। तो हमारा क्या है, जो एक्स एक्सिस था वो हमारा लेस देन था 4IY के, यानी मोमेंट ऑफ इनर्सिया एट द सेक्शन ऑफ वाई सेक्शन की तरह जो वाई एक्सिस पे है। तो और जो हमारा इसके बीच की वैल्यू होती है वो लाई करती है कितनी, 3 to 3.5, इसके बीच में लाई करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेक्शन, जो हमारा आई सेक्शन का एरिया था, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते थे, ये वाला प्लस ये वाला, सॉरी ये वाला इंटू मल्टीप्लाई एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन को डिवाइड करके सबसे पहले यहाँ पे हम एरिया ऑफ द कनेक्टिंग रॉड का निकालेंगे, ठीक है, सेक्शन निकालेंगे आई सेक्शन का एरिया यहाँ पे। तो जो हमने सेक्शन का एरिया निकाला है तो ये दोनों सेम है इसलिए मैंने ट्वाइस कर दिया है, और एक सेक्शन ये वाला होगा, तीन सेक्शन टोटल है तो दोनों सेम है इसलिए ट्वाइस कर दिया, सिंगल वाला सेक्शन बीच में अलग ले लिया। तो ये हमारा आ रहा था कुछ 11t² डिज़ाइन में हमने पढ़ा था, वीडियो अपलोड है आप वहाँ देख सकते किस तरीके से मैंने निकाला था। तो यहाँ पे ये हमारा निकल के आया, जो एरिया ऑफ सेक्शन है आई सेक्शन का वो हमारा 11t² निकल के आया। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस जो फॉर्मूला था हमारा 1/12, या जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा बीम में तो वहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 4t 5t³ - 3t × 3t³। तो ये टोटल हमारा आ रहा था 419 / 12t⁴। ये चीज़ हमारी आ रही थी। सिमिलरली हम यहाँ पे निकालेंगे आई वाई वाई के लिए, आई वाई के लिए तो ये भी हमारा क्या था, 2 × 1/12 × t⁴t³ + 1/12 × 3t³। तो ये हमारा जो आएगा यहाँ पर 131 / 12t⁴। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हम डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड के जो क्रॉस सेक्शन निकालते थे, फिर हम क्या करते थे उसमें, जैसे वहाँ से आप देखिए सेम चीज़ वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो आई एक्स एक्स अपॉन आई वाई वाई, तो ठीक है, तो क्या आ रहा था हमारा, जो हमारी वैल्यूज आई थी 419 / 12 × 12 / 131, और हमारा तो ये जो वैल्यू आई थी ये हमारी आई थी 3.2। तभी मैंने कहा था जो ये चीज़ हम ले रहे हैं यहाँ पे ये लेंगे 3 से 3.5 के बीच में। अब हमको क्या है, जो भी हमारा कनेक्टिंग रॉड के ऊपर फोर्स है या जो भी हमारा फोर्स लग रहा है कनेक्टिंग रॉड के ऊपर, वो हमने बोला था वो इक्वल होगा हमारा मैक्सिमम फोर्स जो हमारे पिस्टन पे लग रहा था, ठीक है, ड्यू टू गैस प्रेशर। ये जो चीज़ आई है यहाँ पे आई एक्स एक्स अपॉन आई वाई वाई इज इक्वल टू 3.2, इसका मतलब जो हमारी डिज़ाइन है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, इस वजह से ये चीज़ यहाँ पे आई। अब हम सब फिर तुम जैसे भी बता चुके जो हमारा कनेक्टिंग रॉड के ऊपर फोर्स लग रहा था वो फोर्स क्या होगा, हमारा इक्वल होगा जो हमारा मैक्सिमम फोर्स है पिस्टन के ऊपर अप्लाई हो रहा है ड्यू टू गैस प्रेशर, ठीक है। तो जो फोर्स ऑन कनेक्टिंग रॉड था वो हमारा एफसी था, और ये जो फोर्स होगा मैक्सिमम फोर्स ऑन पिस्टन ड्यू टू गैस प्रेशर, इसको हमने एफएल लिया था, ठीक है। तो दोनों इक्वल करेंगे तो हम उसको आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो एफसी है इज इक्वल टू एफएल इज इक्वल टू क्या था हमारा, π/4d² × p। पी की वैल्यू हमें दिया गया, मैक्सिमम प्रेशर जो हमारा दिया गया 3.15, तो इसको कैलकुलेट करेंगे π/4d दिया गया हमारा 100, यानी 100 का स्क्वायर × 3.15।
यहाँ से जो हमारी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 24740 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमने ये वाले फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बकलिंग लोड के ऊपर। अच्छा, जैसे हमको पता है कि जो भी हमारी कनेक्टिंग रॉड डिजाइन कर रहे हैं वो बकलिंग के अबाउट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, मतलब जो हमारा प्लेन ऑफ मोशन है कनेक्टिंग रॉड के उसी के ऊपर। इसमें दोनों, मैंने बोला था जब एक्स एक्सिस पे होते दोनों एंड जो होते हैं वो हिंस्ड होते हैं, अगर वाई एक्सिस पे होते हैं तो क्या होता है, दोनों एंड जो होते हैं कनेक्टिंग रॉड के वो फिक्स्ड होते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके यहाँ पे गिवेन है कि हमारा 6 दिया हुआ है। तो हमारा बकलिंग लोड होता क्या है, तो बकलिंग लोड हमारा क्या था, बकलिंग लोड डब्ल्यू बी, ये हमारा बकलिंग लोड है, इज इक्वल टू एफ सी इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो एफ सी की वैल्यू हमारी निकल के आई हुई है ऊपर 24740 इंटू 6। तो यहाँ से बकलिंग लोड की वैल्यू आ जाएगी 148440 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बकलिंग लोड। यहाँ पे अभी मैंने कुछ किया नहीं, जो डिज़ाइन बताई थी बस वही पे आगे मैं फॉलो करती जा रही हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या निकालना है, हमको पता है कि एक्स एक्स इज इक्वल टू आई अंडर रूट में आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाय ए। ये कहाँ से आया इसको भी बताती हूँ, ये जो होता है हमारा आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर एरिया इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का होल स्क्वायर। तो बस जब हमने के की वैल्यू निकाली अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो हमने क्या कर दिया, इसको अंडर रूट में कर लिया। अब यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगी, जो भी वैल्यू हमारी पुट होगी आई की वैल्यू क्या वो हम पुट कर देंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या वो पुट कर देंगे, यहाँ से के एक्स एक्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी निकालेंगे हम। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टी, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एक्स एक्सिस। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो हमारी आई एक्स एक्स की वैल्यू थी और ए की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पुट कर दी, तो इसकी जो हमारा टोटल के एक्स एक्स आया है वो 1.783 आया है। ठीक, यहाँ से हमने रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल दिया अबाउट एक्स एक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमको निकालनी लेंथ ऑफ क्रैंक। तो लेंथ ऑफ क्रैंक हमको कनेक्टिंग रॉड की लेंथ दी गई हुई है और हमें स्ट्रोक दिया है पिस्टन का, तो हम सबसे पहले आर निकालेंगे। ठीक है, स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या होता है हमारा, रेडियस ऑफ क्रैंक। तो जो आर का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, यानी जो हमारा रेडियस ऑफ क्रैंक का फॉर्मूला होता है वो स्ट्रोक ऑफ पिस्टन, पिस्टन डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ पे जो हमारा 90 दिया था स्ट्रोक ऑफ पिस्टन डिवाइडेड बाय टू कर दिया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल आर 95 mm आ गया। ठीक है, ये हमारी रेडियस ऑफ क्रैंक आ गई। और हमें कनेक्टिंग रॉड की जो लेंथ है वो हमें ऑलरेडी पता ही है, 380 mm है जो हमें गिवन न्यूमेरिकल में। और कैपिटल एल क्या होता है, जब हमारे दोनों एंड हिंस्ड होते हैं। ठीक है, मैंने जब डिज़ाइन बताई थी वहाँ पे बताया था जो कैपिटल एल होता है, मैं यहाँ पे साइड में बता दूँ, जो कैपिटल एल इज इक्वल टू एल होता है जब हमारे हिंस्ड होते हैं और जब हमारे, ठीक है, जब L इज इक्वल टू L होता है तो जो हमारी हिंस्ड होती है ये X एक्सिस के अप्रॉक्स होता है, कैपिटल L इज इक्वल टू L बाय टू होता है, ये फिक्स्ड होता है Y एक्सिस पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारी L दिया है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, वही हमारा हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ जो कैपिटल एल है हमारा, ये इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, यानी एल इज इक्वल टू एल। तो ये वाला हम एज्यूम करेंगे, तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड होगी जहाँ पे दोनों एंड हमारे हिंस्ड होंगे और लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड होगी वो सेम हो जाएगी, यानी कैपिटल एल इज इक्वल टू 300 ये स्मॉलर mm। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड जब ये हिंस्ड होगा, ये चीज़ ध्यान होनी, हिंस्ड होगा। अब हम लगाएंगे जो रैंकाइन फार्मूला था बकलिंग लोड के लिए, अभी तक हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट की, क्या क्या था जो नहीं था वो भी, अब हम रैंकाइन फार्मूला निकालेंगे। तो उसके लिए हमने बकलिंग लोड निकाल ही लिया था, जो एफसी इज इक्वल टू निकाला था, क्या था जो ये निकाला था हमने, पीछे दिया है मैं पेज डायरेक्ट यहीं पलट रही हूँ, एफसी इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, यानी जो फोर्स हमारे कनेक्टिंग रॉड पे लग रहा है इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ से बकलिंग लोड निकाल लिया था। हम रैंकाइन फार्मूला को यूज़ करके निकालेंगे वैल्यूज टी की। ये आपका फॉर्मूला होता है बकलिंग लोड का, डब्ल्यू बी इंटू सिग्मा सी इंटू ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए ब्रैकेट में एल बाय के एक्स एक्स का होल स्क्वायर। तो हमको पता है सारी चीज़ें, हमको पता है सिग्मा सी हमें जो दिया गया है वो 320 मेगा पास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, और कैपिटल ए की वैल्यू हमारे न्यूमेरिकल में गिवन थी, ठीक है, 1/7500
दोनों वैल्यूज दी हैं हमको यहाँ पे, केवल एल हमारा स्मॉल एल के बराबर हो जाएगा जो हमने ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सब चीज़ें पुट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे। सारी चीज़ें हमने पुट कर दी, 320 इंटू 11 टी स्क्वायर 1 प्लस 1 1 वाई डिवाइडेड बाय 7500 ब्रैकेट में 380 डिवाइडेड बाय 1.78 टी का होल स्क्वायर, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट कर दी हैं, लिख दी हैं। अब यहाँ से हम वैल्यू ऑफ टी निकालेंगे, क्रॉस हमने डब्ल्यू बी की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी जो हमारी आ रही थी 148440 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा हमारा 11 टी की पावर सॉरी टी की पावर स्क्वायर 1 + 6.1/t² ये चीज आएगा। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 11 t² / t² + 6.1। जब पूरा हम t को कैलकुलेट करेंगे तो जो t की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 6.9, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं t जो 7 है अप्रॉक्सीमेटली वही mm यूनिट लिखना तो बहुत ही कंपलसरी। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली टी की, हमने फाइंड कर ली है कि हमारी वैल्यू क्या आई है टी की, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब हमारा पता है कि जो बी इज इक्वल टू है वो 4t है, एच इज इक्वल टू 5t, बस दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 7 और ये हो जाएगा 5 × 7, तो कितना हो जाएगा 28 mm आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 35 mm, ठीक है। तो हमारी यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट हो गई टोटल कि कौन सी वैल्यू कब, अब निकालेंगे H1 H2, तो यहाँ से ये चीजें कैलकुलेट हो गई। जैसा मैंने डिजाइन में बताया था कि जो हमारा मिडल रॉड के मिडल पे या सेंटर पे क्या होता है, विड्थ हमारी यानी बी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये हमारी कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द सिस्टम, यानी थ्रू आउट द कनेक्टिंग रॉड हमारी जो बी होती है ये कांस्टेंट होती है, ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये वाली भी कांस्टेंट रहती है। और एच क्या होता है, वो वैरी करता है, तो उस वैरी एच को हमें कैलकुलेट करना कहाँ कहाँ पे वैरी कर रहा है, ठीक है। तो जो एच होता है आपका नेयर जो होता है बैक एंड या क्रैंक की तरफ होता है वो हमारा होता है 1.5H होता है, और जो हमारा नेयर होता है स्मॉल एंड की तरफ H2 वो होता है 0.75H, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बी हमारा कांस्टेंट रहता है, एच वेरीज करता है, तो एच वन होता है डेप्थ नियर बेग एंड होता है, एच टू होता है डेप्थ नियर स्मॉल एंड, तो कहाँ कहाँ किसकी वैल्यू वेरी करती है, तो जो हमारा बेग एंड होता है वहाँ पे जो एच की वैल्यू वेरी करती है 1.1H to 1.25H हो जाता है, और जो हमारा स्मॉल एंड पे होता है, ठीक है, वो होता है हमारा 0.75H to 0.9H। अब हम बस इस फॉर्मूले में H की वैल्यू जो भी है कैलकुलेट करके रख देंगे, तो हमारा H1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे H1 कितना हो जाएगा 1.1 है, 1.25 है, एवरेज हमारा 1.2H हो जाएगा, 1.2H, ठीक है। H की वैल्यू हमारी 35 आ ही चुकी है, तो 1.2 × 35 तो ये हो जाएगा 42 mm आ जाएगी यहाँ पे। और H2 क्या हमारा, यहाँ पे दोनों को देखेंगे एवरेज 0.85 आएगा, 0.85H, तो ये हो जाएगा 0.85 × H की वैल्यू 35 है, ये आपका हो जाएगा 29.75 mm, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ये दोनों चीज़ कैलकुलेट हुई, इसका मतलब क्या है, जो हमारी वैल्यू आई है H1 की और H2 की, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ सेक्शन नियर बेगेंड। तो डायमेंशन ऑफ सेक्शन नियर बेगेंड क्या होगा कि हमारा जो भी फॉर्मूला होता था, ठीक है, मैं डायमेंशन निकालनी थी सेक्शन की जो बिग एंड के लिए था और स्मॉल एंड के लिए, तो क्या हो जाएगा 42 आया हमारा, ये बिग एंड वाला हमने पोर्शन उठाया है H1, H2 हमारा स्मॉल एंड का, तो 42 × 28, तो ये हमारा आ जाएगा कि ये जो आएगा हमारा किसके लिए आएगा, जो mm में वैल्यू आएगी, ठीक है, ये बिग एंड के लिए आएगा, और जो हमारा वो कितना है 29.75, इसको 29.75 या 30 भी लिख सकते हो कहेंगे, × 28 mm, ये दोनों वैल्यू mm में है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डायमेंशन स्मॉल एंड के लिए। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, पूरे जो न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा लेंदी पार्ट हमारा फर्स्ट है, उसके बाद सब इजी है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम निकालेंगे आगे डायमेंशन ऑफ क्रैंक पिन और द बैग एंड ऑफ वैग एंड बियरिंग एंड पिस्टन पिन और स्मॉल एंड बियरिंग।
तो अब माता जो हमारा आ रहा है डायमेंशन ऑफ क्रैंक पिन और पिस्टन पिन, इसको क्रैंक पिन को बैग एंड बियरिंग भी बोलते हैं और पिस्टन पिन को स्मॉल एंड बियरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, हमें पता है कि डीसी है डायमीटर ऑफ क्रैंक पिन है या बैग एंड बियरिंग है, एलसी लेफ्ट लेंथ ऑफ क्रैंक पिन है, पीवीसी बियरिंग प्रेशर क्या है हमारा क्रैंक पिन पे। तो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ क्रैंक पिन दी हुई है या बैग एंड बियरिंग, तो जो हमारा एलसी होता है, ठीक है, जो एलसी होता है वो होता है हमारा 1.3 डीसी। डीसी क्या है? डायमीटर ऑफ क्रैंक पिन। बेयरिंग प्रेशर हमको गिवे नहीं है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे जो लोड है क्रैंक पिन के ऊपर। तो जो लोड होता है क्रैंक पिन का, इसका फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टेड एरिया इंटू बेयरिंग प्रेशर। बेयरिंग प्रेशर हमको दिया है, प्रोजेक्टेड एरिया का फॉर्मूला मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। डीसी इंटू एलसी इंटू पीबीसी बेयरिंग प्रेशर है ये, ठीक है, पी बी सी, ये आपका एरिया है और ये आपका बेयरिंग प्रेशर। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर दे रही हूँ, तो जो आपका एल सी होता है 1.3 डी सी होता है, तो डी सी यहाँ पे जो 1.3 डी सी स्क्वायर इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कैलकुलेशन कितना, डी सी इंटू 1.3 डी सी इंटू 10, तो टोटल ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 डी सी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सॉरी डी सी स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसा हमें पता है कि जो हमारा क्रैंक पिन होता है या बैग एंड बेयरिंग होती है, ये हमारी मैक्सिमम गैस फोर्स के लिए डिजाइन की जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी हमारा लोड है क्रैंक पिन पे या बैग एंड बेयरिंग पे, वो इक्वल हो जाएगा हमारा किसका, मैक्सिमम गैस फोर्स के। अभी मैं जितना भी चल रही हूँ डिजाइन स्टेप सही चल रहे हैं, जो मैंने डेरिवेशन टाइप का स्टेप बाय स्टेप बताया था उसी तरीके से यहाँ पे मैं कर दूंगी। ठीक है, तो हमारा लोड क्रैंक पिन पे कितना आया 13 डी सी का स्क्वायर, मैक्सिमम गैस फोर्स हमारा कितना आया, एफ एल कितना है हमारा, ये है 24740, स्टार्टिंग में निकाला था मैंने फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ से हम डी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो डी सी आ जाएगा हमारा कितना, डी सी समथिंग आएगा 43.6, तो इसको हम 44 ले लेंगे, एक राउंड फिगर में ले लेंगे 44 mm। तो जब हमारी डी सी आ गई तो हमारा एल सी क्या था, एल सी इज इक्वल टू 1.3 डी सी। ठीक है, तो एल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 57.2, या इसको राउंड फिगर में 58 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारी दोनों वैल्यू निकल आई हैं, डी सी की और ये एल सी की वैल्यू 1.3 डी सी। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया यहाँ पे एल सी और डी सी दोनों चीज़ें। तो जो कैलकुलेशन अभी हमने की थी ये सारी, ये हमारी क्रैंक पिन पे थी या बैग एंड बियरिंग पे थी। अब हम निकालेंगे पिस्टन पिन पे या स्मॉल एंड बियरिंग पे। तो जितनी चीज़ें, जो डी सी था यहाँ पे डी पी हो जाएगा, जो एल सी था या पी हो जाएगा, क्योंकि अब हम पिस्टन के केस में निकालेंगे, पी बी पी था तो वो हमारा बियरिंग प्रेशर का पिस्टन पे। तो सेम हम यही चीज़ करेंगे जो अभी हमने उसके लिए की थी सिमिलरली। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है एल पी इज इक्वल टू टी डी पी, तो एल पी लेंथ ऑफ पिस्टन पिन होगा, डी पी क्या डायमीटर ऑफ पिस्टन पिन होगी, और हमारा दिया गया पी बी पी, ये बियरिंग प्रेशर फॉर किसके लिए है, पिस्टन के लिए। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता है, डिट्टो वही फॉर्मूला बनता है जो आपका इसमें था। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ें, लोड निकालेंगे स्मॉल एंड बियरिंग पे, तो मैं यहाँ पे बस जल्दी से कैलकुलेट बता दिया, फॉर्मूला सेम ही था, बस यहाँ पे ये वैल्यू हमको ध्यान रखनी थी, तो उससे मैंने यहाँ पे निकाल लिया जो लोड ऑन स्मॉल एंड बियरिंग पे था वो 30 डी पी स्क्वायर आया। सिमिलरली ये भी हमारा क्या होगा, गैस फोर्स के इक्वल हो जाएगा जो भी हमारा स्मॉल एंड बियरिंग। सिमिलरली क्या होगा, जो हमारा लोड था मैक्सिमम गैस प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ये भी जैसे हमने आप उसमें क्रैंक में किया सिमिलरली यहाँ पे वही चीज करेंगे, और यहाँ से वैल्यू आप डी पी और एल पी ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने जो कैलकुलेट करी है 30 डी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 24740 न्यूटन को, तो यहाँ से हम डी पी की वैल्यू निकाल ली, जो हमारी 28.7 आई, तो इसको हमने राउंड फिगर में रख लिया 29 mm। और यहाँ से अब हम एल पी की वैल्यू निकालेंगे, एल पी इज इक्वल टू कितना है 2 डी पी, ठीक है, डी पी हमारी कितना आया 28.7 या 29, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा 58 mm। तो यहाँ से हमारी एल पी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, डी पी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पे निकल आई, ये स्मॉल स्टेप था छोटा था। अब हम निकालेंगे जो थर्ड स्टेप होगा हमारा, साइज ऑफ बोल्ट फॉर सिक्योरिंग दी बिग एंड कैप। स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, कोई मैं घुमा फिरा के नहीं कर रही, इसलिए ये आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करने में। तो हमारा क्या है, साइज ऑफ बोल्ट सिक्योरिंग बिग एंड कैप। ठीक है, तो
अब इसमें क्या है, एक नया फॉर्म जो आया था, मैं फिर से लिख दे रही हूँ क्योंकि मेरा बेसिक पर्पस यही है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। तो प्लीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरा वीडियो पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो DCB क्या है, ये आपका कोर डायमीटर है बोल्ट का। तो मैंने जैसे लिखा है सिग्मा टी अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस, इसकी वैल्यू गिवन है हमारी 60 न्यूटन पर mm। इसका नंबर ऑफ बोल्ट मैंने बोला था डिज़ाइन के टाइम पे भी बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बोल्ट जो होते हैं जनरली हम वो 2 ही लेते हैं। तो हम निकालेंगे सबसे पहले फोर्स ऑन बोल्ट। तो जो इसका फॉर्मूला था हमारा फोर्स ऑन बोल्ट पे पाई बाय 4 DCB स्क्वायर सिग्मा टी इंटू एन बी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे फोर्स क्या है बोल्ट का। तो यहाँ पे मैंने इतनी कैलकुलेशन की, आपने सब जगह देखा होगा कि हमको डायमीटर हर जगह कैलकुलेट करना पड़ रहा है, उसके बाद ही हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो रही है, मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स निकला है बोल्ट के टर्म्स में वो DCB के टर्म्स में निकला है जो फोर्स निकला है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि जो हमारा बैग एंड कैप होती है सब्जेक्टेड होती है हमारे टेंसाइल फोर्स पे, जो करस्पॉन्डिंग होता है इनर्शिया फोर्स ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट एट द टॉप डेड सेंटर, जैसे मैंने बताया था डिज़ाइन के टाइम पे। तो हमको यहाँ पे अब इनर्शिया फोर्स के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो हमें निकालना पड़ेगा रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स के लिए। ठीक, इतनी चीज़ मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी, इसको यहीं स्टॉप करते हैं। अब हम आगे निकालेंगे इनर्शिया फोर्स को, फिर जो भी वैल्यू हमारी निकल के आएगी इनर्शिया फोर्स की, यहाँ पे क्या होगा इनर्शिया फोर्स जो होगा इक्वल होगा वो हमारे वो फोर्स ऑन बोल्ट के इक्वल हो जाएगा। बस वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे वहीं से। हर जगह पे हमने लास्ट में भी देखा कि फोर्स को इक्वल रखते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, इस वाले फोर्स को इनर्शिया फोर्स को इक्वल रख देंगे सिमिलरली और इजी कैलकुलेट हो जाएगा। तो फार्मूला आपका ये था, बस यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगी, तो हर जगह 111 हो जाए, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। टॉप डेड सेंटर पे हमारा जो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक के, तो हर जगह 11 हो जाएगा जहाँ पे थीटा है, और सिंपल हम कैलकुलेट कर लेंगे उसको। तो सब कुछ हमको दिया गया है, मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स भी दिया गया है, ओमेगा हम 2π/60 से निकालेंगे। ठीक है, और हमें एल की वैल्यू भी दी गई हुई है, आर भी दिया गया है, हमने कैलकुलेट किया था लास्ट में। तो हम सब रख के यहाँ से FI की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करें, जो कैलकुलेशन में आएगा वो हमारा 9490 न्यूटन आ गया, ये हमारे FI की वैल्यू आ गई। अब इस FI को क्या कर देंगे, जो हमारे फोर्स निकल रहा है बोल्ट के ऊपर उसको इक्वल कर देंगे, यहाँ से DCB की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से DCB की वैल्यू हमारी आ गई है कितनी, 10.03 mm। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, DB की, डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो DCB अपॉन क्या होगा, 0.84, डिज़ाइन में फॉर्मूला दिया डेटा बुक में, तो 10.03 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 0.84, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 11.94, या इसको हम 12 बोलेंगे। तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए, हम लास्ट स्टेप पे चलते हैं। तो जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसमें मैं थिकनेस ऑफ बैग एंड कैप निकाल ली है, तो इसमें जो भी नोटेशन है मैं लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें हमें दी गई हुई हैं हमने सब देखो, थिकनेस ऑफ बैग एंड कैप हमको निकालनी पड़ेगी, BC जो ब्रेथ ऑफ बैग एंड कैप है ये हमने कैलकुलेट की थी 50 mm सेकेंड स्टेप में, और जो सिग्मा बी है बेंडिंग स्ट्रेस ये हमें दिया गया है न्यूमेरिकल में 80 न्यूटन पर mm². ठीक है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिज़ाइन कैस किस हिसाब से होती है। जो बिग एंड कैप होती है ये बीम, इसको एज्यूम किया जाता है कि फ्रीली सपोर्टेड होती है। ठीक है, और जो कैप और बोल्ट होते हैं सेंटर पे लोड होते हैं इनर्सिया फोर्स कैप टॉप डेड सेंटर पे। ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के, तो थीटा हमको 0 पता ही है कि थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो जो हम लोड एज्यूम करेंगे जो एक्ट हो रहा है उनके मतलब बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा। ठीक है, जो सेंट्रली हमारा कंसनट्रेटेड होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे यहाँ पे बैग एंड कैप के अकॉर्डिंग। तो MC यानी मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ऑन कैप, तो इसका फॉर्मूला था FI × x/6। तो x क्या है आपका, x है डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट सेंटर। तो x की वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो वैल्यू ऑफ x ये डायमीटर ऑफ क्रैंक पिन, ठीक है, +2 × थिकनेस ऑफ बियरिंग लाइनर जो हम 3 mm लेते थे, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट प्लस क्लियरेंस, क्लियरेंस भी हम 3 mm ही लेते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले के साथ, इसमें आपका क्लियरेंस और जो आपका क्लियरेंस और जो हमारा थिकनेस होगा बियरिंग का, वो हमारा जो बियरिंग लाइनर होगा, सॉरी बियरिंग लाइनर, ये कॉन्स्टेंट रहेगा 3 mm। ठीक है, तो अब हम आगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, DC+2×3+DB+3 mm में। तो इसको कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यू पुट करके,
तो जो वैल्यू ऑफ एक्स हम कैलकुलेट करेंगे वो 65 mm आ जाएगी। बस इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना, यहाँ से एमसी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया वो ये आ गया, ठीक है। फर्स्ट आंसर हमने निकाल लिया, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेटेड था हमारा इनर्सिया फोर्स। अब हम निकालेंगे सेक्शन मॉडुलस जेड। तो जो हमारा सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला था बी सी इंटू टी सी के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ से हम जेड सी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टी सी, ठीक है। तो ये जेड सी आया 9.7 टी सी का स्क्वायर। हमको बेंडिंग स्ट्रेस दी गई हुई है सिग्मा भी, तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एम सी अपॉन जेड सी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, सिग्मा भी हमारा 80 है, जो हमने एम सी की वैल्यू ये कैलकुलेट की थी यहाँ पे, उसको पुट कर दिया डिवाइडेड बाय हमारा जो भी ये जेड सी है। यहाँ से हम टी सी की वैल्यू निकाली जो हमारी 11 पॉइंट समथिंग आ रही है 5 mm करके। अब हम निकालेंगे मास ऑफ कनेक्टिंग रॉड पर मीटर लेंथ, यानी M1 निकालेंगे मास ऑफ कनेक्टिंग रॉड। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। हमको दिया गया है डेंसिटी, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाई एंड एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ इंटू रो, यानी डेंसिटी। तो एरिया हमें पता ही है कितना दिया गया, 11 टी स्क्वायर दिया गया है इंटू एल इंटू पी। एल की वैल्यू हमने 0.38 निकाली, मतलब दी हुई है 380 mm, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे रो की वैल्यू हमारे दिए गया है 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी हमारे न्यूमेरिकल में गिवन है। तो यहाँ से हम सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना आएगा, 11 टी की वैल्यू एरिया हमारा एल दिया गया है 11, एल हमारा 0.007 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 0.38, ठीक है, इंटू 8000 जो मैं डेंसिटी दी गई। तो ये हमारा M1 जो हो जाएगा ये कैलकुलेट होके आएगा 1.64 kg। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला था एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू एल डिवाइडेड बाय 9√3, यहाँ से हम निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। एक छोटी सी चीज़ इसमें याद रखने वाली है, तो M होता है वो M1L होता है, ये चीज़ हमने डिज़ाइन में बताई थी L। ये वैल्यूज़ मैंने सारी पुट कर दी, किस तरीके से ओमेगा निकाला गया, तो इसकी वैल्यू जो आएगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये हमारा आएगा 51300 न्यूटन mm, ठीक है। तो हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है, अब हमें केवल कौन सी कैलकुलेशन बचती है जो, ठीक है, तो हमने सब कुछ निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सेक्शन मॉडुलस जेड एक्स एक्सिस के अप्रॉक्स, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अप्रॉक्स निकाला तो हमारा क्या है, आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5t/2। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो भी वैल्यू हमारी आएगी सबकी वैल्यू पुट करके 419t^4/12 × 2/5t = तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 13.97 t³, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी आई 7, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 13.97 × 7³, तो इक्वल टू आ जाएगा कितना 4792 mm³, ठीक है। अब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा वी मैक्स निकालेंगे, सिग्मा वी मैक्स, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जो हमारा बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया है एम मैक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा जेड एक्स एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आया था कितना आया था, ये वाला आया था 1.51300 डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस कितना आया था हमारा जेड एक्स एक्सिस के अबाउट 4792। तो इसको कैलकुलेट कर लिया तो 10.7 newton/mm² आ गया, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब जो हमारी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है वो हमारी लेस देन है अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस से, जो हमारी 80 newton/mm² है, इसका मतलब हमारा डिजाइन सेफ है, यानी जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सॉरी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा बी मैक्स जो है वो हमारी सिग्मा बी से या अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस है उससे कम है, इसका मतलब डिजाइन क्या है हमारा सेफ है। थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। मैंने बोला तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ज़्यादा आपके दिमाग से गायब हो जाएगा।